भगवान, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फुल ग्रोथ, अपने ब्यूटी पार्लर कोर्स में फुल ग्रोथ वाले हाथ पैरों की वैक्सिंग कैसे करते हैं और ज़्यादा ग्रोथ हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, और गर्मियों के सीजन में अगर हेयर रिमूव नहीं होते हैं तो क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। हाँ, अगर आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और हाँ, एक और मेरा चैनल है जिस पर आपको, अगर आपको ड्रेस डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो, डिजाइनर ड्रेस सीखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप मेरे उस चैनल पर जाइए जिसका नाम है ड्रेस डिजाइनर प्रीत तिवारी। उस पर अलग अलग टाइप्स की सिर्फ ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज मिलेंगी आपको, तो अगर इंटरेस्ट है तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले बालों की वैक्सिंग कैसे करें, तो उसके लिए आपको करना क्या है। अगर आप गर्मी के सीजन में कर रहे हो, हेयर अच्छे से रिमूव नहीं होते हैं, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको लेना है आइस बर्फ़, उसको पूरे हाथों पर रब कर दीजिए, उसको पोंछना नहीं है, 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो आप ठंडा पानी ले लीजिए और पूरे हाथों को अच्छे से भिगा के और ड्राई कर लीजिए टावल से। उसके ऊपर आप पाउडर लगाइए, खूब ज़्यादा सा पाउडर लगाना जैसे कि हेयर अच्छे से ढक जाए। उसके बाद आप वैक्स अप्लाई करो, और फिर कैसे अप्लाई करना है, हेयर की ग्रोथ अगर आपकी नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको नीचे की तरफ ही ऐसे वैक्स को अप्लाई करना है और नीचे से ऊपर की तरफ पट्टी को खींचना है। और ध्यान रखिए कि जब आप पट्टी खींचते हो तो नीचे से कस्टमर के हाथों को इस तरीके से पकड़े रहिए, उससे पेन भी कम होगा। और जब जैसे ही आप पट्टी खींच लेते हो उसके ऊपर हाथ लगा दीजिए। हाथ लगाने से क्या होगा कि जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, ब्लड निकलने की दिक्कत रहती है, और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और कस्टमर को पेन में भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा वैक्सिंग करते टाइम आप, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, आप लोग जैसे मेरी वैक्स की वीडियोज देखते हैं, वैसे और सारी वीडियोज़ भी देखिए, पार्लर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। कल मैं लाइव आई थी तो उसमें मुझे लॉन्ग हेयर के लिए भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अलग अलग फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग आप हेयर स्टाइल बताओ। तो मैं इस टाइप की हेयर स्टाइल अपने चैनल पे बहुत सारी अपलोड की हुई है मैंने पहले से। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं और ज़्यादा देखना तो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो बहुत बातें हो गई, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, ना समझ में आए तो रिपीट करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इंस्टा आईडी PreetTiwari24 पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ है इनके हाथों पे। तो चलिए वैक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, गीला कर लेने के लिए उसके बाद आपको लेना है टॉवल से ड्राई कर लेना है, और उसके बाद लेना है पानी और स्टार्ट कर लेना हाथों को। कैसे करना है, वैक्सिंग लेना है, गीला कर लेना है ठंडे पानी से, अच्छे से गर्म कर लीजिए। वैक्स को इतना ज़्यादा भी गर्म मत कीजिएगा कि कस्टमर को गर्म फील हो, जैसे हल्का फुल्का गर्म रहे तो आपको अप्लाई करना है। चेक कर करके अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं पूरे पैरों पे पाउडर लगा ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने पाउडर लगा लिया, और ये मैंने वैक्स गर्म करके रखा है। इसको अच्छे से चेक करेंगे इस तरीके से फिंगर लगा लगा के, और पैरों पे अप्लाई करेंगे। कोशिश कीजिए कि पतली पतली क्वांटिटी में लगाइए, पतला लेयर लगाइए वैक्स का। ओके, पतला लेयर लगाने से क्या होगा कि वैक्सिंग अच्छे से हेयर रिमूव होंगे और बहुत ज़्यादा पट्टी वेस्ट नहीं होगी आपकी। तो ये मैंने यहाँ पे वैक्स लगा लिया है। आप जितना ज़्यादा लगा सकते हो उतना ज़्यादा एक बार में ही लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको वैक्सिंग करने में आसानी होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चिपका लिया है पट्टी को। अच्छे से रब कीजिए, और ऐसे अच्छे से रब करके पीछे से स्किन को पकड़ के और ऐसे खींच लेना है। ओके, देखिए कितने अच्छे से रब कर रही हूँ, पीछे से स्किन को खींचा और ये हमारा कितना अच्छे से हेयर रिमूव हो रहा है। ओके, ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। अभी जो हमारा नीचे का हेयर बचा हुआ है इस पर लगाएंगे हम लोग, और इसी तरीके से पूरे पैरों की वैक्सिंग करेंगे। ओके, इस तरीके से स्किन को खींचे रहना है और अच्छे से रब करके और हेयर को रिमूव करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि वैक्सिंग कैसे करनी चाहिए।
ओके। अगर थोड़े बहुत हेयर है तो आप उसी पट्टी को चिपका के रिमूव कर सकते हो, दोबारा से वैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कहीं पे हेयर बचा है तो नहीं है। अगर आपका हेयर नहीं निकल रहा है थोड़ा सा वैक्स दोबारा से लगा दो और फिर रिमूव कर सकते हैं। ओके ऐसी पट्टी को आप पैरों पे चिपका के और रिमूव कर दो। पैरों पे तो कम हेयर होते हैं और डेड स्किन आपकी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। ये हो गया हमारा वैक्सिंग कंप्लीट पैरों का। इसके बाद आपको क्या करना है, सारे जो भी आपका वैक्स लगा हुआ है उसको अच्छे से रिमूव करेंगे। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ थी। पैरों को अच्छे से वैक्स को रिमूव करेंगे और मसाज क्रीम लेंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। पहले टॉवल से ड्राई कर लीजिए। अब हम लोग मसाज क्रीम लेंगे कोई सा भी और अच्छे से मसाज कर देंगे। मसाज करने से क्या होता है कि जो हमारे पोर्स ओपन हुए थे वो दोबारा से बंद हो जाते हैं और हेयर की ग्रोथ थोड़ी लेट से होती है। ओके तो मसाज करना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वैक्स करने के बाद से। तो ये हमारा पैरों का वैक्स कम्प्लीट हो गया। अब देखिए हाथों की ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। हाथों पे भी सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से आपको वैक्स अप्लाई करना है, देन रिमूव करना है और फिर अच्छे से ड्राई वैक्स को रिमूव करके आप मसाज क्रीम लगाओगे और मसाज कर दोगे हाथों पे भी, तो हाथों का भी वैक्सिंग कंप्लीट है। ओके तो मैंने इसकी वैक्सिंग यहाँ पे नहीं दिखाई हुई है, सेम पैरों के जैसे ही हाथों की भी वैक्सिंग होगी। जिस साइड में ग्रोथ है उस साइड में आपको वैक्स करना है, उसके बाद मसाज क्रीम लगानी है और मसाज कर देना है। ओके वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसको भी पार्लर का कोर्स सीखना हो वो मेरे चैनल के थ्रू सीख सकता है। ओके तो ये वैक्सिंग हमारी कंप्लीट होगी। प्लीज़ जब लाइक ज़्यादा कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन कैसे करनी चाहिए। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ आप लोगों को। और हाँ, उस चैनल पर गए कि जल्दी से जाओ और चेकअप करो, इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम हो, कुछ भी सीखना हो, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, मुझ मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आपको कोई भी पार्लर से रिलेटेड चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो। वहाँ से मैं आपको अपने व्हाट्सअप अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगी या फिर टेलीग्राम में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इंस्टा आईडी PreetiBhai24 है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। पार्लर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आए तो वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगी। बाय बाय।